नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कुर्बान अली। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। लोकसभा से वित्त विधेयक मंजूर, आर्थिक सुधार में तेजी का दावा, वित्त मंत्री ने दिया भरोसा, जल्द आएगा टैक्स के लिए आसान फॉर्म। विदर्भ में राहुल गांधी की संवाद पद यात्रा, किसानों से पूछी समस्याएं, कर्ज माफी और फसलों का वाजिब दाम देने की मांग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, अमित शाह का दावा, सदस्यों की जांच के लिए महासंपर्क अभियान चलाएगी पार्टी। निकाय चुनावों में धांधली के खिलाफ वाम मोर्चे और बीजेपी का बंगाल बंद, टीएमसी और सीपीएम समर्थकों में झड़प, सामान्य जनजीवन पर असर। नेपाल में भूकंप के 3 हल्के झटके, बारिश से राहत के काम में बाधा, दुर्गम इलाकों में मदद पहुंचाना अब भी बड़ी चुनौती। और आइए अब देखते हैं हमारी पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने किसानों को मझधार में छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने आज विदर्भ के अमरावती जिले में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के साथ अपनी फसलों का वाजिब दाम चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को विदर्भ के अमरावती जिले से संवाद पदयात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव जिले का गुंजी गांव था। यहां उन्होंने खुदकुशी करने वाले किसान नीलेश वालके और अंबादास वाहिले के परिजनों से मुलाकात की। पदयात्रा के दौरान राहुल दूसरे किसानों से भी मिले और उनकी समस्याएं पूछी। किसान कर्ज मुक्त रहे, कर्ज ले रहे, उन पर ऐसा किसान गावक पर दाम मिलना चाहिए हर माल को, और हर किसान को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिलती है। सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो सिर्फ व्यापारी को मिलती है। इसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष शाहपुर गांव पहुंचे। यहां भी कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राहुल गांधी ने 15 किलोमीटर की पदयात्रा में 5 गांवों का दौरा किया। दौरे खत्म कर राहुल गांधी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। सबसे बड़ी इशू कर्ज की है। जहां भी हम गए किसानों ने कहा कि कर्ज माफी होनी चाहिए, जो भी सुसाइड कर रहे हैं कर्ज के बोझ के कारण से कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कंप्लेंट पंजाब में थी, जो कंप्लेंट बाकी देश में है कि एमएसपी नहीं मिल रही और एमएसपी को बढ़ाया नहीं गया, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बोनस की बात उठी है, पहले बोनस मिलता था, अब बोनस नहीं मिल रहा है कि जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बीजेपी इसे राजनीतिक यात्रा बता रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने 15 साल तक शासन किया है, इसीलिए किसानों की दुर्दशा पर उसे ही जवाब देना होगा। किसानों की सुध लेने की उनको इच्छा हुई है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, वो सुध ले रहे किसानों की। सवाल इतना ही है कि 15 साल उनकी सरकार यहाँ पर रही है और 15 सालों में जिस प्रकार से किसानों की हालत हुई है, इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। इन दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों से मिल रहे हैं। करीब 2 महीने की छुट्टी से लौटने के बाद दिल्ली में सबसे पहले राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की थी। इसके बाद वो भूमि कानून में संशोधन के खिलाफ पार्टी की रैली में शामिल हुए। मंगलवार को राहुल गांधी पंजाब की मंडियों में भी किसानों से मिले थे। बुधवार को लोकसभा में उन्होंने सरकार पर किसानों की फसल नहीं खरीदने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता गुप्ता, आप एसोसिएट एडिटर हैं द हिंदू की। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता। काफी आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के, और आज तो 15 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिन राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, अब तो इस गर्मी में वो किसानों के बीच जा रहे हैं और उसी अमरावती जिले में गए हैं जहाँ बहुत पहले वो कलावती के घर गए थे, और आज कल रात को ही वो नागपुर पहुंच गए, सुबह तड़के ही वो निकल गए। क्या मकसद नजर आता है उनकी इस यात्रा का? नहीं, एक तो है कि अब 11 महीना हो गया है मोदी सरकार का, और जिस तरीके से ये सरकार शुरू हुई थी, लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनके खिलाफ
आवाज उठने लगेगी। और जैसे हमने दिल्ली का चुनाव देखा जहां उनका बिल्कुल सफाया हो गया था जी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं राहुल गांधी इज क्वाइट लकी, क्योंकि उन्होंने 2 महीने का छुट्टी लिया था, लोग बहुत नाराज थे पार्टी के भीतर भी, मगर जब वो आए हैं बहुत एक अच्छा समय है उनके लिए। और अब जो गए महीने हैं ये लैंड एक्विजिशन बिल पे काफ़ी एक ऑपोजिशन यूनिटी हो गई है, उन्होंने काफ़ी सिर्फ कांग्रेस नहीं सब पार्टियों ने प्रचार किया है। उसके साथ साथ ये जो बारिश अनसीजनल रेन्स के वजह से जो तबाही हुआ है और ये जो MSP का मसला या यूरिया का दाम बढ़ने का जो खौफ है किसानों में, ये सब एक साथ बनकर एक कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और राहुल गांधी इसमें जो पंजाब में पहले आप देखेंगे जो जैसे आपका रिपोर्टर कह रहा था फार्मर्स रैली हुआ, फिर विषय उठाया पार्लियामेंट में, फिर वो पंजाब गए, अब आज अमरावती में, तो वो ही एक मुद्दा लेकर वो अपना एक क्या कहते हैं सेकंड लॉन्चिंग पैड आप कह सकते हैं जी। मैं वही आपसे, लेकिन ये सब करने के बावजूद जो लाख टक्के का सवाल है कि क्या राजनीतिक रूप से इसका लाभ मिलेगा राहुल गांधी को। और चूंकि कहा जा रहा है कि शायद सितंबर तक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना है, कोरोनेशन की तैयारियां हो रही है, तो ऐसे में ये जो सब कर रहे हैं इससे कुछ बात बनेगी? देखिए एक ही है, यदि इस तरीके से इस मतलब एनर्जी और इतने ऊर्जा के साथ जो काम अब जो दिखाई पड़ा है ये 10 दिन में, यदि ये 6 महीने कंटिन्यू करें और उसके साथ साथ मोदी सरकार जो अपना जो इमेज है किसानों में वो ठीक ना कर पाए, फिर राहुल गांधी को कुछ फायदा होगा। एक ही मतलब एक क्या कहते हैं एक डाउट है लोगों में कि राहुल गांधी बहुत बार जैसे 2011 में जब उन्होंने भट्टा परसौल का मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छी तरीके से वो मुद्दा उभर के आया था, मगर वो बहुत दिन वो चला नहीं पाए जी। उनका वो एक वो 10 दिन काम करते हैं फिर छुट्टी ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। अब देखना पड़ेगा कि अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस में जो उनके समर्थक हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं रहती और नतीजा ये कि फिर वो मुद्दे से भटक जाते हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि 2 महीने में उन्होंने काफी आत्मचिंतन की है उन्होंने, तो अब जो होगा वो तो हमारे सामने है, मगर मुझे लगता है यदि वो कंसिस्टेंसी इस बार ला पाए फिर उनको फायदा। और ये भी पार्टी वाले कह रहे हैं कि उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन he has to do or die। लेकिन दूसरी तरफ क्या बीजेपी और उसकी सरकार डिफेंसिव पे आ पाई है राहुल? बिल्कुल बिल्कुल, यही बहुत मजेदार बात है। आप देखेंगे कल जैसे राहुल ने मसला उठाया लोकसभा में, 2-2 मंत्रियों खड़े हो गए और बाहर भी मतलब हाउस के बाहर भी आप देखेंगे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, अब राहुल का नाम ही लेंगे तो बड़े उछल पड़ते हैं। तो लोग पूछते भी हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं है खत्म हो गया, मगर आप इतना क्यों उछल रहे, कह रहे हैं कि इनको इतना कवरेज क्यों मिल रहा है। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसका मतलब है उनका कोई ब्रांड वैल्यू अभी भी है, मगर जब बीजेपी को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि भाई गांधी नेहरू परिवार वाला जो है, हालांकि आई थिंक देयर इज मोर फियर इन बीजेपी देन होप इन कांग्रेस। लेकिन स्मिता साथ ही ये भी अभी पंजाब हो गए 2 दिन पहले और वहां हमने देखा खबर ये आई कि शायद वो खन्ना मंडी में रात को रुकने वाले हैं, फिर पता चला कि शायद चंडीगढ़ चले गए थे, तो कनेक्ट जो है वो कहीं शायद हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए किसानों के साथ आम लोगों के साथ, हालांकि सेकंड क्लास के जनरल डिब्बे में वो गए दिल्ली से वहां पंजाब की यात्रा पे। ऐसा है कि अब मुझे लगता है कि बिफोर वी पास जजमेंट एक महीना होना चाहिए। ये सच बात है कि जब वो सेकंड क्लास डिब्बा में बैठा तो लोगों की याद आती है कि महात्मा गांधी सेकंड क्लास में घूमते थे, तो वो उसका वो जब आउट ऑफ पावर से तो उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। अब इन्होंने व्हाई डिड दे लूज पावर, बिकॉज़ दे लॉस्ट कनेक्ट विद द पीपल। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि राहुल गांधी का वो एक प्रॉब्लम है। अब लोग जैसे पत्रकार हम लोग भी कुछ नया स्टोरी हो उसको कवर करते हैं,
अब इसको यदि वो 6 महीना इसको कुछ ये जो घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसको कुछ कन्वर्ट कर पाए वही पता लगेगा। और मुझे लगता है पहला टेस्ट तो बिहार का चुनाव होगा, क्योंकि हालांकि उनका एक सपोर्टिंग रोल ही रहेगा। कुछ आप समझती हैं कि राहुल गांधी कुछ करिश्मा दिखा पाए? नहीं, इतना ही है कि वहां तो मेन रोल तो रहेगा नीतीश कुमार और लालू का, मगर अब उन दोनों में भी अब झगड़ा चल रहा है, वो भी ठीक है, मगर उसमें कांग्रेस का भी एक सपोर्टिंग रोल रहेगा। यदि वो 3 समझो वो जीत पाए तो थोड़ा सा एक और बड़ा सवाल इसमें था, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखती हैं, जानती हैं, कवर करती हैं, ये कहा जा रहा था इलेक्शन के बाद से और ये जो 2 महीने की राहुल गांधी की छुट्टी हुई कि शायद पूरी पार्टी उनके साथ नहीं है। कुछ लोगों के बयान भी आए कि साहब नहीं, सोनिया गांधी को अध्यक्ष रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को होना चाहिए, तो पार्टी उनके साथ एकजुट खड़ी दिखाई नहीं दे रही। नहीं, ये बात तो सही है कि जब वो 2 महीने के लिए चले गए थे, उनके जो करीब के भी थे, काफी करीब वाले, मतलब नॉट बिल्कुल साइको फैन टाइप, मगर जो सपोर्टर माना जाए, बहुत नाराज थे। उनको लगा कि एंड वक्त पे पार्लियामेंट में जब उनको एक रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं था, और उस हाल में उस वक्त सोनिया गांधी ने काफी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर काफी कुछ कर दिखाया, और लोगों का कहना था कि सोनिया गांधी को रहना चाहिए। मगर उनके वापस आने के बाद थोड़ा सा एक चेंज हुआ है मूड में। एक है एक इनोवेटिबिलिटी का कि चेंज आएगा। अब ये वापस आए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, अब इसको कितने दिनों के लिए ये टाल सकते हैं। और जैसे मैंने कई बड़े नेताओं के बारे में, छोड़िए हम छोटे नेताओं से भी बात करते हैं कभी कभी, तो जैसे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई इनको तो बनना ही है, और तो कोई नहीं बनेगा, तो जल्दी इसको बना दो, देखते हैं कुछ कर पाता है नहीं। डिस्कशन शुड नॉट बी ऑन व्हेन ही विल बिकम, डिस्कशन शुड बी ऑन व्हाट ही विल डू। तो अब उनके आने के बाद और अब उनकी जो एक्टिविटीज देखकर, अब जो लोग पहले बोल रहे थे कि सोनिया गांधी को ही इंचार्ज रहना चाहिए, अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मगर अभी भी सितंबर की ही बात चल रही है, अभी 1-2 महीने में नहीं होने वाला है। यानी आपने जो कहा शुरू में कि जैसे 6 महीने उनको लगाने चाहिए, हाँ। तो आप चाहती हैं कि वो 6 महीने पसीना बहाए, हाँ। उसके बाद ही, हाँ, उन्हें, हाँ, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हासिल हो, हाँ। क्योंकि वैसे उनका जो शेड्यूल है उसमें भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शेड्यूल हुआ है सितंबर महीने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये थी हमारी पहली खबर, लेकिन बुलेटिन में अब और दूसरी कुछ खबरों पर नजर डालेंगे ब्रेक के बाद। मॉनसून कितना होगा मेहरबान, क्या है पूर्वानुमान, कैसी है सरकार की तैयारी, कैसे निपटेंगे देश के किसान, देखिए आरएसटीवी विशेष मॉनसून की चाल शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यसभा में आज कई सदस्यों ने पुत्र जीवक नाम की दवा की बिक्री पर आपत्ति जताई। ये दवाई बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी ने बनाई है, जिसके सेवन से बेटा पैदा होने का दावा किया जाता है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी समेत कई दलों के सांसदों ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया। उधर दिव्य फार्मेसी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि इस दवा से बांझपन दूर होता है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही केसी त्यागी ने पुत्र जीवक नाम की आयुर्वेदिक दवा की बिक्री का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि दिव्य फार्मेसी ने इस दवा के सेवन से बेटा पैदा होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाएं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की सरकार की कोशिशों पर सवाल खड़ा करती है। हरियाणा की सरकार ने जिस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसकी फार्मेसी से ये मिल रहा है और ये मैंने खुद खरीदा है, रसीद 14 तारीख की है, ताकि कोई सदस्य ये ना कहे
ताकि एक सेकंड ताकि कोई सदस्य ये ना कहे कि ये पुराना है। विपक्ष के कई सदस्यों ने इस मामले पर केसी त्यागी से सहमति जताई। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसी दवाएं भ्रम फैलाती हैं। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस आयुर्वेदिक दवा उत्पाद पर फौरन पाबंदी की मांग की। They give an assurance that they will remove this product from the market and they will take the license of a company which is so gender biased. Such assurance cannot be given now. Yes, it's not only an issue of gender bias. Sir. That is correct, important. But the issue is also of the spread of obscurantism. Spread of obscurantism which is against scientific temper. इसको तो देखना चाहिए कि ये ऑथेंटिक है और ये लेबोरेटरीज टेस्ट से गई है, मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर किया है कि नहीं। तो यहाँ तो हमारे लड़कियों की संख्या इतनी घट रही है, तो ये दो संबंध है, इसकी न सिर्फ बैन करना चाहिए बल्कि सजा देनी चाहिए जो लोग इस तरह के लोग चला। विपक्षी कड़ी आपत्ति के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। दिस इशू इज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, बट द गवर्नमेंट इज सीरियस ऑन द मैटर एंड वी विल लुक इनटू इट एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मिनिस्टर इज पर्सनली मॉनिटरिंग दिस प्रोग्राम एंड सीइंग दैट इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट्स। कुछ सांसदों का कहना था कि पुत्र जीवक नाम की इस दवा की हरियाणा में बेहद मांग है, जबकि दूसरी ओर लिंग अनुपात के मामले में हरियाणा का रिकॉर्ड ही सबसे खराब है। उधर दिव्य फार्मेसी ने कहा है कि ये दवा महिलाओं के बांझपन को दूर करती है, लेकिन बेटा पैदा होने का दावा इसमें नहीं किया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक 2015 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि टैक्स भरने के लिए जल्द ही आसान फॉर्म जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आयकरदाताओं के लिए जानकारी देना बहुत आसान हो जाएगा। अरुण जेटली ने इस साल 8% की विकास दर हासिल करने का भरोसा जताया। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि तेज विकास की राह में सबसे बड़ी दिक्कत राजनीतिक बाधा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नए आर्थिक सुधारों से जुड़े कई फैसले होंगे, इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने आरबीआई से सरकारी बांडों में जुड़े अधिकार वापस लेने का प्रस्ताव भी वापस ले लिया। आर इंप्रूविंग, आर इन्फ्लेशन इज स्टिल ब्रॉडली अंडर कंट्रोल, आर फिस्कल डेफिसिट फिगर्स maybe even slightly better than what we had projected. Our current account deficit, which had touched about 4.5% at one stage, is within acceptable limits. And if these basic parameters are in order, we would look at in a brief nutshell as to the roadmap we have ahead. बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि पार्टी सदस्यों की संख्या 10 करोड़ के पार हो गई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्वी राज्यों में पार्टी की सदस्यता बढ़ाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पार्टी की सदस्यता का ये पहला चरण था और अब पार्टी इनसे मुलाकात करने के लिए महासंपर्क अभियान चलाएगी। अब बात नेपाल की। भूकंप की मार झेल रहे नेपाल को भारत की ओर से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। बेघर लोगों के लिए आज करीब 8,500 टेंट और राहत सामग्री वहां भेजी गई। एनडीआरएफ और सेना की अनेक टीमें दिन रात राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन भूकंप के हल्के झटकों, बंद रास्ते और मौसम बिगड़ने से दूर दराज इलाकों में मदद पहुँचाने में मुश्किलें आ रही हैं। भूकंप से पीड़ित नेपाल के ऐसे सैकड़ों गांवों को 5 दिन बाद भी मदद का इंतजार है। खराब मौसम, बर्बाद सड़कें और दुर्गम इलाकों के चलते राहत और बचाव की कोशिशों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं खाना, दवाएं और राहत सामग्री नहीं मिलने से पीड़ित लोग बेहद परेशान हैं। Our all properties are lost due to earthquake. Our paddy, our animals, our clothes. All are lost, but our government is not providing any help to us. मदद से महरूम लोग
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरी इलाकों में लोग अभी भी दहशत के चलते खुले में रहने को मजबूर हैं। बारिश के चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दूसरा पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल नहीं है, मैं दो पाँच छह पेट्रोल पंप में गया, अभी घूम घूम के इधर आया था, इधर दे रहा है। तो हमेशा इतनी भीड़ होती है या नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए भीड़ है। वक्त बीतने के साथ पीड़ित इलाकों में महामारी का खतरा भी पैदा हो गया है। डायरिया और दूसरी बीमारियों को फैलने से रोकने की चुनौती है। वहीं अस्पतालों में भर्ती हजारों लोगों को उचित इलाज और दवाओं की दरकार है। करीब 27 देशों की टीमें राहत और बचाव के काम में 2400 घंटे जुटी हैं। समय बीतने के साथ मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। अभी सिर्फ काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों तक ही मदद पहुंच पाई है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर नेपाल में जहां दुनिया भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इकलौते रनवे और एयरपोर्ट की क्षमता सीमित होने के चलते दिन भर में सिर्फ 20 उड़ानें ही मुमकिन हो पा रही हैं। वहीं पोखरा एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण बड़े विमान वहां नहीं उतर पा रहे। नेपाल के भूकंप पीड़ित इलाकों में सड़कें तबाह हो गई हैं। देश के तीन बड़े हाईवे पृथ्वी, सिंधुली और त्रिभुवन जगह जगह बंद पड़े हैं। 25 अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप से अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11000 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेपाल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बुरा भूकंप है। यहाँ के लोग इसे महाभूकंप के नाम से पुकारने लगे हैं। इसी तरह का एक भूकंप 1934 में आया था, लेकिन उससे नेपाल सफल तरीके से निकलने में कामयाब रहा था। अमृतांशु राय, हनुमान डेका, दरबार स्क्वायर, काठमांडू। और इस वक्त काठमांडू से सीधे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमृतांशु राय। अमृतांशु, अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, काफी भयावह हालात हैं नेपाल में 1934 के बाद। अब इस तरह की त्रासदी वहां हुई है। कहा यह जा रहा है कि 5000 लोगों के मरने की अब तक पुष्टि हो गई है, और नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान आया था कि ये संख्या शायद 10000 तक जा सकती है। इस वक्त क्या हालात हैं, कुछ जरा बता सकेंगे हमें इस वक्त? जी, जो इंजर्ड की संख्या है, जो लोग घायल हैं, वो लगभग 10000 से ऊपर हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो गांव का इलाका है, जो सुदूर इलाका है, जैसे कि रसुआ हुआ, वहां पे अभी तक कोई भी राहत कार्य नहीं पहुंच पाया है। आज वहां से सही फीडबैक सरकार को आया होगा कि क्या स्थिति है वहां पर। गांव के गांव तबाह हो गए हैं, वहां की क्या स्थिति है, कितने लोग मारे गए हैं, नहीं मारे गए हैं, हिंटरलैंड से, गांव के इलाके से ये जानकारी अभी एकत्रित होना बाकी है। शायद इसीलिए, इसी का आकलन करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कल कि डेथ टोल 10000 तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे सबसे बड़ी यह है कि जो राहत कार्य इंटरनेशनल कम्युनिटी के माध्यम से काठमांडू पहुंच रहा है, वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर से सिर्फ पहुंचाया जा सकता है, और जो काठमांडू एयरपोर्ट है उसमें सीमित हेलीकॉप्टर्स और बड़े जहाज ही एक साथ हैंगर में पार्क हो सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह को। जी, तो अमृतांशु, कब तक ये स्थिति साफ हो पाएगी, और जो दूर दराज के इलाके हैं जहां अभी तक राहत और सहायता नहीं पहुंची है, वो कब तक पहुंच पाएगी, कुछ अंदाजा है? आज से वो व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब बहुत ही फोकस तरीके से उन इलाकों में सरकार और रिलीफ और रेस्क्यू वर्कर्स, इंडियन आर्मी के जवान और तमाम 27 देशों के जो रिलीफ वर्कर हैं, अब काठमांडू से रुख उस तरफ करना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में स्थिति काफी सुधर जाएगी। लेकिन गंभीर मामला यहाँ पे काठमांडू और नेपाल में यह है कि 3 हफ्ते के अंदर अगर सारे पूरी की पूरी राहत कार्य और सुविधा नहीं पहुंचाई गई, तो उसके बाद
बारिश मॉनसून का सीजन यहां शुरू होने का समय है और उसके बाद बहुत ही बुरा हाल होने की उम्मीद है। ये एक टाइमलाइन है 3 हफ्ते की, जिसके तहत टोटल सरकार को जो भी कार्य करना है इसी 3 हफ्ते, आने वाले 3 हफ्ते में उसे पूरा करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशु काठमांडू से इस ताजा अपडेट के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत में भूकंप से नुकसान पर शोक जताया है। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेपाल में भारत के राहत और बचाव अभियान की भी तारीफ की। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि सार्क देशों को राहत और बचाव अभियान पर साझा अभ्यास करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत किया और इस पर विचार करने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को फोन करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।